ये बड़ा सवाल है। बिहार के भागलपुर शहर में बड़ा बम विस्फोट हुआ, कई लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले आईबी ने भी भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था। बावजूद इसके भागलपुर में बड़ा बम विस्फोट, यह रिपोर्ट देखिए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ, बाहर निकले तो देखे सब कुछ गिर चुका है। भागलपुर में हुआ बड़ा बम विस्फोट। विस्फोट में 14 लोगों की मौत की पुष्टि। विपक्ष ने सरकार को बताया विफल। लूट, हत्या, बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है बिहार में, और तब भी सुशासन बाबू 3 का चश्मा पहन के बैठे हुए हैं। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। भागलपुर से मैं विधायक हूं और मैं इसको जान रहा हूं, इसीलिए शहर में पूरा दहशत है। मैं मांग करता हूं आप लोग के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री से, इसका उच्च स्तरीय जांच या सीबीआई जांच कराई। और राजद ने कहा ये सरकार तालिबानी है। तालिबानी सरकार की तरह बर्ताव कर रही ये सरकार, और पुलिस के बल पर ये सरकार राज कर रही है। अस्पताल में भर्ती ये घायल लोग, मलबे में तब्दील हुए ये मकान, अपने को खोने पर रोती ये महिला। मेरे घर के अंदर रूम में पापा सोए हुए थे, पापा खत्म हो गए, और मिलाती थी वो मेरे घर में 30-35 साल से आती थी सोने के लिए, वो भी खत्म हो गई, हम बरंडा पे थे। जनाब ये बिहार है जहां आजकल बम विस्फोट होते हैं। भागलपुर शहर के काजवाली चक इलाके में विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के 4 घर जमींदोज हो गए। विस्फोट से करीब 5 किलोमीटर का इलाका दहल उठा। भागलपुर में विस्फोट से कई घर मलबे में बदल गए। ये विस्फोट तब हुआ जब लोग सोने जा रहे थे या सो चुके थे। ब्लास्ट गुरुवार रात करीब 11:30 बजे हुआ। भागलपुर शहर के काजवले चक इलाके में गुरुवार रात करीब 11:30 बजे बम विस्फोट हुआ। पीड़ितों ने बताया कि जिस घर में ब्लास्ट हुआ है वहां लोग बम बनाने का काम करते हैं और ये काम बंद होना चाहिए। मैं यहां पर एक फैमिली जो फोर जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, मकान में बनाता है ये लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए, शहर में, मेन शहर में ये चीज़ है। रात के अंधेरे में हुए इस बड़े विस्फोट के मामले में जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंची। रात से ही जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक अफसोस कई जाने जा चुकी थी। भागलपुर में विस्फोट से आसपास के 4 घर जमींदोज हो गए, जिससे कई लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अफसर घटना स्थल पर भी पहुंचे। रात में ही जेसीबी बुलाई गई, जमींदोज हुए मकानों के मलबे को हटाया गया। जैसे जैसे मलबे को हटाया गया वैसे वैसे मलबे में दबे शव मिलने लगे। भागलपुर के तातारपुर में हुए विस्फोट के बाद एफएसएल की टीम जांच कर रही है, और अधिकारियों का ये कहना है कि जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये किस तरह का विस्फोट था। घटना स्थल पर पहुंचे भागलपुर के एसएसपी बाबूराम ने कहा कि 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे, वहीं पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है। अभी ये जांच का विषय है और जांच की जा रही है। अभी जांच में कुछ पटाखा बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। अब इस मामले में जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई करने की प्रशासन बात कह रही है। अभी तक की जो सूचना मिली है यहाँ पर 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे, उसी में से एक घर में लगता है कल रात में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसके चलते आसपास की सभी बिल्डिंगें गिर गई हैं और मलबे पर दबने के कारण यहाँ घायल और मृतकों की संख्या बढ़ी है। सर, किसके घर में ब्लास्ट हुआ है सर? ये बताया जा रहा है कि पीछे में लीलावती देवी मसूमात हैं, उनका परिवार रहता था,
जो पटाखा बनाने के काम में लगी हुई थी और उस घर से कुछ पटाखा बनाने के अवशेष मिले भी हैं। भागलपुर में हुए बम ब्लास्ट के मामले में बिहार के DGP SK सिंघल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है जबकि 10 लोग घायल हैं। इस दौरान DGP SK सिंघल ने कहा कि घटनास्थल से भारी मात्रा में बारूद पटाखे पर लगने वाले रैपर भी बरामद हुए हैं। 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है, जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। जो घटनास्थल है उस घटनास्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, क्योंकि पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। पुलिस अधिकारी घटना की जांच करा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। वहीं इस विस्फोट के बाद राजद और कांग्रेस के नेता सरकार और प्रशासन को फेल बता रहे हैं। भागलपुर में हुए विस्फोट के बाद कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने कहा कि वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। प्रशासन कोई चेती नहीं। इस बार भी जो बम ब्लास्ट हुआ है, 4 मकान तो ध्वस्त हो गए हैं, 7 जान जो सुबह तक मुझे रिपोर्ट है 7 जाने गई हैं, और प्रशासन कुछ भी नहीं। आखिर ये बम बन रहा है कि पुलिस को खबर कैसे नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लंबा बात करते हैं कि अपराध के लिए हमने ये किया, सारे पुलिस को लगाया है, और ये भागलपुर में इतना बड़ा बम विस्फोट पहले भी हुआ है 2018-2019 में उसी घर में, जब तक पुलिस नहीं मिली हुई थी, बम बन कैसे रहा है और ये विस्फोट कैसे हो रहा है? इसलिए 100 मीटर की दूरी है सर, भागलपुर से मैं विधायक हूँ और मैं इसको जान रहा हूँ, इसीलिए शहर पूरा दहशत है। मैं मांग करता हूँ आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, इसका उच्च स्तरीय जाँच या CBI जाँच कराई, और जो दोषी पदाधिकारी हो और जो दोषी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे भागलपुर में बम विस्फोट में 14 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है और ये सरकार केंद्र सरकार के सामने सर झुकाकर खड़ी है कि मेरी कुर्सी कुमार अपनी कुर्सी बचाने पर बेचैन है। यहाँ की जनता बेसहारा महसूस कर रही है और यहाँ हर लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। भागलपुर विस्फोट को लेकर विपक्ष सरकार के साथ साथ प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले IB ने भी भागलपुर पुलिस को अलर्ट किया था, इसलिए ये मामला संदिग्ध भी लग रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि पटाखा बनाने का लाइसेंस नहीं होने पर भी शहरी इलाके में कैसे पुलिस के नाक के नीचे ही लोग पटाखा बना रहे हैं। भागलपुर से कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DTV भारत।